तो इस हिसाब से देखते हैं कि ये रूम कैसा है। ये तो खुलने का नाम नहीं ले रहा, ये खुल फाइव नहीं मिनट रहा है। फाइव फाइव मिनट लेट। ये बेल वेल तो नहीं है कुछ बजाने का सिस्टम? नहीं खुल रहा ये। कि हमारी फ़्लाइट है और नींद आ रही है। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 5 बज रहे होंगे और रात की फ़्लाइट एज ऑलवेज बहुत मुश्किल होती है। लेट्स सी, अब वेटिंग फॉर फ़्लाइट और उसके बाद जो है वो हम जाएंगे सिंगापुर। के बाइक के लिए मर्सिडीज़ बेंस आ गई है, तो छोटी मोटी गाड़ी जो है वो हमारे लिए नहीं आई है, बड़ी गाड़ी आई है माशाल्लाह से। तो जो है वो अब हम बैठ के, थैंक यू वेरी मच। से आप सबको पता ही है कि हमारा कहीं पे भी हम जाते हैं तो हमारा एक फर्स्ट मिशन होता है, वो होता है मिशन रोटी पाकिस्तानी नान, वो हम ढूंढने निकले सिंगापुर में आज। तो आपको क्या लगता है, मिल जाएगा? मिलना तो चाहिए, तो देखते हैं। अभी हम आए हुए थे पाकिस्तानी नान लेने के लिए, जो कि हमें मिल गया है, जो कि ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है, यहाँ से हमें नान मिला है, जहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज हैं हमारे पास। इसमें जो है वो हर चीज़ मिल रही है। आप ये हारिस भाई बताएंगे इस बारे में, क्या कहते हैं आप? हर तरीके के लोग हैं, इंडियन है, श्रीलंकन है, बांग्लादेशी है, फिलिपाइन है, यानी मुख्तलिफ सकाफतें यहाँ पर मौजूद हैं और इनका खाने का तरीका, इनका रहने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है पाकिस्तानी के हिसाब से अगर हम देखें तो। प्राइस बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर पाकिस्तान में एक नान आपको मिलता है 20 रुपए का, तो यहाँ पे वो नान आपको मिल रहा है तकरीबन 600 रुपए का। अच्छा, इतना यानी कि जो है वो सिंगापुर महंगा है, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है, लेकिन फिर भी एक अच्छी बात यह है कि जो है हमें नान मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा पहला दिन, वैसे दूसरा दिन है क्योंकि हम रात को आए थे सिंगापुर, तो आज हमारा पहला दिन है, कहीं जाएंगे और अभी एक्सप्लोर करेंगे। तो जी, ठंडी ठंडी सुबह के साथ बारिश हो रही है और अभी हम आ चुके हैं संतोषा आइलैंड पे घूमने के लिए। सो अभी हम बाहर जाके देखते हैं कि भाई जो सुना है संतोषा के बारे में क्या चीज़ है आखिर ये। यहाँ का ये बहुत ही जबरदस्त बीच है संतोषा आइलैंड का, तो कहते हैं सिलोसो बीच, जिसकी तरफ अभी हम जा रहे हैं। एक छोटे से आइलैंड में इन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई हुई हैं। तो जी, मंजर चेक करें, बारिश, पत्ते, फूल, सुनसान सड़क और खुशबू यहाँ पे बहुत बेहतरीन आ रही है, जो मैं आपको एक्सपीरियंस नहीं करवा सकता। अब देखते हैं ये क्या आ गया। सो दिस इज वर्ल्ड वार टू का जो सिंगापुर का एक एक्सपीरियंस है वो ये है।
The Japanese had left. Singapore has already felt the brunt of Japanese bombs. But their land troops have now breached defenses and are on the... Their Malayan campaign was defined by speed, surprise, and savagery. और जो है वो ये यूनिवर्सल स्टूडियो आ गया और जैसे ही मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ ये भाई को याद आ जाता है व्लॉगिंग करना और ये व्लॉगिंग कर रहे हैं अभी। फिर से सारी बातें जो नहीं करनी थी कर डाली माँ अम्मी। तो पाकिस्तानी लौंडा आपका जो है वो हाजिर है और यह है यूनिवर्सल स्टूडियो। यूनिवर्सल स्टूडियो जो है वो हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी राइड्स हम कवर करने वाले हैं और इट्स माय फर्स्ट टाइम एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस इन दिस टाइप ऑफ प्लेस। लेवल का नहीं, यह नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल चीज है। अभी हम जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर्स द राइड। फाइनली आफ्टर लाइक हाफ एन आवर हमारी बारी आई है। ये सब लाइन लगी हुई है, ये लोग आते जा रहे हैं और दिस इज इट। आज पूरी रात मुझे नींद नहीं आई माँ। अम्मी तुझको मानू या ना मानू तेरा अपना ही तो हूँ मैं माँ। क्या एक्सपीरियंस था, मतलब नो अल्फाज, अल्फाज मेरे ख़त्म हो गए हैं यहाँ पे। तो मतलब आप एक वर्चुअल रियलिटी में होते हो, जहाँ पे आप गिर रहे होते हो ना, वो भी आपको पता चल रहा होता है कि आप गिर रहे हो। Souls will be mine for all eternity. जब से फ्लैट रेंट किया, अपार्टमेंट लिया, साथ में नया साथी लिया, रस्में खत्म, कस्में तेरी माँ। शायद किस्मत में है लिखा कि कोई रिश्ता नहीं टिकना। उसने फोन किया, मैंने नहीं लिया, मैंने फोन किया, उसने काट दिया। उसने फेसबुक पे अनफ्रेंड किया, मैंने फोन बुक से डिलीट किया। हमने रवैया ये रिपीट किया जिसने गाने को संगीत दिया माँ। अम्मी और जी जुरासिक वर्ल्ड, मतलब अभी तक जो हमने जितने भी राइड्स लिए हैं वो एक वर्चुअल रियलिटी थी, लेकिन ये ओरिजिनल रियलिटी में इन्होंने पूरा जुरासिक वर्ल्ड बनाया हुआ है। मतलब नेक्स्ट लेवल शेट है वो, लेकिन वो मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन समझ जाए बस आप। रिश्ता अच्छे घर की लड़की से करवाने का कोई फायदा नहीं। अम्मी अपने अजीज की भी शादी अपने जैसे से करवाता नहीं। ठीक है ना करो। अम्मी मेरे करतूत है मरासी, मेरी जिंदगी अयाशी। सो नाउ वी आर गोइंग टू रशिया। हमने सोचा अभी यूएस से तो होके आ गए, अभी रशिया जाके चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये भाई मिल गए वेलकम करने के लिए। ब्यूटीफुल माँ, शर्म आती है तुझे ऐसी बातें बताते माँ। आज जो है वो हमारी सिंगापुर की आखिरी सुबह है और अभी काफ़ी लेट उठे हैं आज हम, तो अभी चेकआउट करने का टाइम आ गया है, ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं।
और हमारी जो बस है वो है सिंगापुर से मलेशिया 7 बजे की। तो हमारे पास तकरीबन 5 से 6 घंटे हैं इस दौरान में सिंगापुर को लास्ट दफा देखने का। तो अभी हम जा रहे हैं सिंगापुर देखने, उसको अलविदा कहना है, उसके बाद फिर कभी आना हो ना हो इंशाल्लाह जरूर आना होगा, लेकिन फिलहाल के लिए इसको अलविदा कहना है। तो अभी हम निकलते हैं सिंगापुर को अलविदा कहने के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ कि सिंगापुर से मलेशिया जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते थे, एक बाय फ्लाइट और एक बाय बस। तो बाय फ्लाइट हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि इनलिए हमें वो नज़ारे नहीं मिलते जो हमें बाय बस मिलने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने जो है वो बाय बस सेलेक्ट किया और वो ऑनलाइन बुकिंग की, और सेकेंडली वहाँ पे जो है वो मैंने ऑनलाइन होटल की बुकिंग भी कर दी है। तो इंशाल्लाह हम कोई रात को अराउंड 2-3 बजे पहुँचेंगे सिंगापुर और वहाँ पे डायरेक्ट होटल में जाके हमें चेक इन करना है। तो स्टे ट्यून्ड। होटल से चेकआउट कर चुके हैं, सामान अपना वहीं पे रखवा लिया। हमारे पास अभी टोटल 3 से 4 घंटे हैं मलेशिया को आखिरी गुड बाय कहने का, और अभी हम आए हुए हैं मरीना बे पे। तो बहुत अच्छा शहर है अगर देखा जाए ना, मतलब मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आया। तुर्की के बाद शायद ये मेरा सेकंड मोस्ट फेवरेट शहर होने वाला है। अब आगे मैं मलेशिया और थाईलैंड जाऊंगा तो उसके रिव्यूज़ में आपको ज़रूर बताऊंगा और तीनों का कंपैरिजन भी करेंगे हम। जी अभी जो है वो बस स्टेशन पे हम आ गए हैं, वो कह रहे हैं 7 बजे बोर्डिंग होगी। अभी 6:30 हो रहे हैं, आधा घंटा है, तो हमने सोचा मैकडोनल्ड खा लें हम। अभी तकरीबन 3 घंटे बाद जो है वो 7 बजे से लेके इमिग्रेशन के बाद से लेके अभी तक हम 10 बज रहे हैं, 3 घंटे बाद हम रुके हैं, ये बस रुकी है इन्होंने। तो आरिज भाई आप क्या कहना चाहोगे बस के बारे में?